हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू अ वर्कशीट ऑफ क्लास फोर टीवी चैप्टर चेंजिंग फैमिलीज ये चैप्टर की एनसीआर एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और हमने देखा कि किस तरीके से फैमिली में चेंजेस आते हैं कुछ न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं कई बार कुछ लोगों को दूर जाना पड़ता है और उसकी वजह से डेफिनेटली जितने भी लोग हैं आपकी फैमिली में सभी लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है एनसीआर से चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो चलिए उसके लिए हम के की वर्कशीट देखेंगे अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ओके चैप्टर नाइन चेंजिंग फैमिली सबसे पहला क्वेश्चन है निम्मी हैज गॉट अ बेबी सिस्टर बेबी ब्रदर न्यू टॉय या फिर न्यू मदर तो निम्मी के घर एक बेबी सिस्टर आई थी ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट है द नंबर ऑफ पीपल इन निम्मीज फैमिली आर नाउ निम्मी की फैमिली में अब कितने लोग हो गए थे निम्मी के फैमिली में निम्मी थी उनकी मदर उनके फादर ग्रैंड मदर अंकल और अब उनकी सिस्टर दैट मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो अब उसके घर में सिक्स मेम्बर्स थे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा डैश फादर हैज़ बीन प्रमोटेड किन के फादर का प्रमोशन हो गया था और ट्रांसफर हो गया था निम्मी सेरिंग्स नाजली या फिर नन ऑफ दिस तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है सेरिंग के जो फादर थे उनका प्रमोशन हो गया था और उन्हें दूसरी सिटी में जाना पड़ा था सैरिंग्स फादर इज गोइंग टू वर्क इन अनदर सिटी बिकॉज ऑफ हिज सेरिंग के फादर को दूसरे शहर जाना था काम करने के लिए क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया था प्रमोशन हो गया था दोनों बोथ ए एंड बी या फिर नीदर ए नॉर बी तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है दोनों ही उनका ट्रांसफ़र भी हुआ था और प्रमोशन भी हुआ था प्रमोट भी हुए, प्रमोट भी हुए थे हायर रैंक पर गए थे वो नाजलीज डैश इज गेटिंग मैरिड नाजली के घर में कौन था जिसकी शादी हुई थी यंगर ब्रदर छोटे भाई की फादर्स यंगर ब्रदर फादर के छोटे भाई मतलब अंकल की अंकल या फिर कजन एल्डर कजन ब्रदर तो उसका बड़ा कज़न ब्रदर जो था उसकी शादी थी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपके ट्रू एंड फॉल्स सबसे पहले है सेरिंग एंड हिज मदर आर गोइंग विद हिज फादर टू द न्यू सिटी सेरिंग और उनकी जो मदर है वो उनके फादर के साथ जा रहे थे नए शहर में ये ट्रू है नाजली इज सैड दैट हर कज़न ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड एंड गोइंग अवे नाजली बहुत सैड थी कि उनके ब्रदर की शादी हो रही है और वो दूर चला जाएगा ये फॉल्स है इनफैक्ट वो हैप्पी थी कि घर में एक जो सिस्टर इन लॉ है उनकी एक न्यू मेबर एड होगा निमीज बेबी सिस्टर वॉज बॉर्न एट होम फॉल्स सही है उनकी जो बेबी सिस्टर है वो हॉस्पिटल में बॉर्न हुई थी जैसा कि हमने पिक्चर में देखा भी सेरिंग्स मदर एंड सिस्टर पैक द लगेज केयरफुली सैरिंग की मदर और सिस्टर ने बहुत केयरफुली लगेज पैक किया ये ट्रू है क्योंकि वो दूसरे शहर जा रहे थे निमीज अंकल इज ब्लाइंड ये भी ट्रू है ये भी हमने पिक्चर में देखा थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉलम ए और बी को मैच करना है आपको निमी नाजली सरिंग निमी सबसे पहले निमी के यहाँ पे एक सेकेंड ओके okay. निम्मी बहुत एक्साइटेड थी शी इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो जो है उनके उसके यहाँ पे एक न्यू बेबी सिस्टर बॉर्न हुई थी नाजली नाजली हैप्पी थी क्योंकि घर में कोई एक शादी थी उसके कज़न एल्डर ब्रदर की सेरिंग सेरिंग जो है वो ट्रांसफर सेरिंग के फादर का ट्रांसफ़र हो गया था और सेरिंग को अब नया स्कूल अटेंड करना पड़ेगा जिस नई सिटी में वो जाएगा यानी कि इसकी मैचिंग आपके डी से होगी निम्मी की जो मदर थी वो फिर से मदर बनी बिकेम मदर अगेन नाजली का जो एल्डर ब्रदर थे बड़े भाई थे बड़े भाई थे ही गेट्स मैरिड उसकी शादी हो गई सेरिंग के जो फादर थे ही गेट्स ट्रांसफर उनका ट्रांसफर हो गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन निमीज फैमिली ट्री शो शोन बिलो निमी की फैमिली ट्री का नीचे ये आपको निमी का फैमिली ट्री दिया हुआ है ओनली निमीज नेम इज फिल्ड सिर्फ यहाँ पे निमी का नाम फिल्ड है आपको बाकी के बॉक्सेस फिल करने हैं सबसे ऊपर सबसे बड़ी जो है घर में वो उनकी ग्रैंड मदर है तो सबसे ऊपर ग्रैंड मदर आएंगी उसके बाद ग्रैंड मदर के बाद उनके अंकल और उनके फादर फादर के साथ मदर यहां पर और यहां पर फादर और मदर नीचे आएंगी निम्मी एंड उनकी सिस्टर बेबी सिस्टर ओके okay? तो इस तरीके से फैमिली ट्री कंप्लीट होगा निम्मी बेबी सिस्टर सबसे नीचे फादर एंड मदर देन अंकल एंड अंकल एंड फादर के यहाँ पे आएंगे ग्रांड मदर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन के आंसर करिए वॉट डज द पिक्चर शो इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में हमें दिख रहा है दो बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है यानी कि चाइल्ड मैरिज इज इट लीगल और इनलीगल ये लीगल है या इलीगल है ये बिल्कुल इलीगल है जो लॉ है हमारा वो बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि एटीन ईयर्स से पहले लड़की और ट्वेंटी वन से पहले बॉयज़ की शादी हो वॉट इज द मैरिजेबल एज एज पर इंडियन लॉ इंडिया का जो मैरिज लॉ है उसके अकॉर्डिंग बॉयज की, की एज कितनी होनी चाहिए ट्वेंटी वन ईयर्स और गर्ल्स की एज कितनी होनी चाहिए एटीन ईयर्स नेक्स्ट इज आंसर द क्वेश्चन वी फास्ट फॉर अ मंथ हम एक महीने तक फास्ट करते हैं ईद शीर कर्मा ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल और फेस्टिवल के दिन शीर कुरमा खाते हैं ये कौन सा फेस्टिवल है ये है ईद We light lamps and pray to Goddess Lakshmi. हम जलाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ये है दिवाली। डेकोरेट द ट्री एंड वेट फॉर हैं जो क्रिसमस ट्री है उसको और सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं हमें गिफ्ट देंगे ये है क्रिसमस दिस इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है वी प्रे टू सन गॉड हम गॉड से प्रे करते हैं इसके दिन ये कौन सा ये है बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत सारे हैं बैसाखी मकर संक्रांति ऑल्सो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए राइट द ऑफ ओकेजन विच ब्रिंग चेंज इन द फैमिली ये कौन से ओकेजन है जिनकी वजह से फैमिली में चेंज आ रहे हैं सबसे फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है मैरिज वेडिंग इसकी वजह से फैमिली में चेंज आता है एक फैमिली में मेम्बर इंक्रीज होता है एक फैमिली से एक मेम्बर कम होता है यहाँ पे बेबी एक सेकेंड बर्थ ऑफ अ बेबी एक बेबी का जब बर्थ होता है तो घर के सभी मेंबर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आते हैं और लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे ये एक ऑफिस ऑर्डर है मिस्टर अनिल शर्मा के नाम योर अटेंशन क्रॉस नंबर दिस एंड दिस इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू ट्रांसफर योर सर्विस विद पोस्टिंग एट कोची ऑफिस इनका ट्रांसफर मुंबई से कोची कर दिया गया है मतलब ये क्या किस वजह से चेंजेस होते हैं ट्रांसफर जॉब में जब ट्रांसफर होगा आप एक से दूसरी जगह जाएंगे फैमिली मेंबर्स कुछ आपके साथ जाएंगे बच्चों का स्कूल चेंज होगा और पूरा एनवायरमेंट चेंज होता है फैमिली का तो इनकी वजह से भी फैमिली में चेंजेस आते हैं आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंक्स फिल करना है डैश इज अ पार्ट ऑफ लाइफ क्या चीज़ है जो पार्ट ऑफ लाइफ है ये है चेंज चेंज जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है हमेशा होता ही रहता है द डैश सेट दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्रे प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ ये किसने कहा है आपके चैप्टर में कि छोटे बच्चों को पढ़ने दो खेलने दो उनकी शादी नहीं करनी है ये कहा है पंचायत ने ग्राम पंचायत जो होती है गाँव की डैश कैन बी डीपली अफेक्टेड बाई चेंज कौन है जो कि चेंज से बहुत अफेक्ट होता है पूरी फैमिली ही होती है लॉ ऑन डैश स्ट्रिक्टली फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ कौन सा कानून है जिसने की मिनिमम एज फिक्स की हुई है बॉयज एंड गर्ल्स शादी की, की यह है लॉ ऑन मैरिज चेंजेस टेक प्लेस बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस होते हैं गिव रीजन कारण बताइए क्या रीजन था एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली निम्मी की फैमिली में एक्साइटमेंट का क्या रीजन था सो बर्थ ऑफ बेबी नाजली की फैमिली में जो उनका कजन ब्रदर था वो शादी कर रहा था यानी कि मैरिज जो है ये एक रीजन था चेंज का चेंजेस इन सेरिंग्स फैमिली सेरिंग की फैमिली में चेंजेस का क्या था प्रमोशन एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसफर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ देर आर सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आपका वाई डू मेनी गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती है क्यों एज मैंशन इन द चैप्टर जो रीज़न आपके चैप्टर में मैंशन है किस वजह से बहुत सारी गर्ल्स को स्कूल छोड़ना पड़ता है ड्यू टू मैरिज एट अर्ली एज बहुत कम उम्र में शादी की वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है वॉट चेंजेस अकर्ड इन निमीज फैमिली निमी की फैमिली में क्या चेंज हुआ था बर्थ ऑफ बेबी सिस्टर बर्थ ऑफ अ बेबी भी चलेगा वैसे ओके वॉट वॉज सेरिंग्स वाई वॉज सेरिंग्स फादर ट्रांसफर सेरिंग के फादर का ट्रांसफर क्यों हुआ था एज ही गॉट प्रमोटेड क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया था इसलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा हाउ हेज़ नाजलीज फैमिली चेंज नाजली की फैमिली में क्या चेंज हुआ अ न्यू ब्राइड कीम टू दी होम घर में एक नई ब्राइड आई थी नेक्स्ट क्वेश्चन सुशीला हु इज़ गोइंग बैक टू स्कूल आफ्टर मैरिज बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट सुशीला जो कि जिसने शादी के बाद दोबारा स्कूल जाना शुरू किया वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं इनका चैप्टर में है ये बिलोंग करती है रंगा रेडी डिस्ट्रिक्ट से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डू मैरिड गर्ल्स वॉन्ट्स टू गो बैक टू फिनिश स्कूल जिन लड़कियों की शादी हो गई है वो क्यों वापस जा पढ़ना चाहती है और किन कौन उनकी हेल्प कर रहा है इन दिस टास्क इन इस टास्क में तो वो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू स्टैंड इन ऑन देयर ओन फीट वो खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं बिकॉज़ दे टू स्टैंड ऑन देअर ऑन फीट और उनकी हेल्प कौन कर रहा है इसमें एज पर योर चैप्टर एक ग्रुप है आंध्र प्रदेश का अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्रा ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश ओके कैंप्स लगाए हैं जिससे जो की हेल्प करता है जिन लड़कियों की शादी होगी उनको फिर से स्कूल जाने में हेल्प सच गर्ल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सुशीला गॉट दी हेल्प फ्रॉम पंचायत सुशीला को किस तरीके से पंचायत से हेल्प मिली क्योंकि पंचायत ने यह कहा पंचायत सेड दैट ंग चिल्ड्रन शुड प्ले यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी उनको खेलना है और पढ़ना है शादी नहीं करनी है नॉट एंड नॉट बी मैरिड ऑफ इसकी वजह से सुशीला फिर से स्कूल जाने लगी मैरिड आर आई ई डी ऑफ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये लॉन्ग आंसर टाइप में एक ही क्वेश्चन है रिपीट हो रहा है बार बार क्या रीज़न थे निम्मी सेरिंग और नाजली की फैमिली में चेंजेस के तो निम्मी की फैमिली में थे बर्थ ऑफ़ अ बेबी गर्ल सेरिंग की फैमिली में थे ट्रांसफर ऑफ फादर और नाजली की फैमिली में थे मैरिज ऑफ एल्डर कजन ओके ये तीनों के नाम लिख के आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट है थिंक फाइन एंड राइट यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स आपको दिए हुए हैं कौन से फेस्टिवल्स आप घर में मनाते हैं होम सेलिब्रेटेड एट होम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली कौन से फेस्टिवल आप स्कूल में मनाते हैं टीचर्स के साथ न्यू ईयर्स डे न्यू ईयर आप घर में मनाते हैं क्योंकि छुट्टी होती है स्कूल की रिपब्लिक डे स्कूल में मनाया जाता है फ्लैग होस्ट किया जाता है एंड एवरीथिंग होली आप घर में मनाते हैं अपने ईद घर पर मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे स्कूल में मनाते हैं गांधी जयंती स्कूल में, में सेलिब्रेट होती है दिवाली घर पर गुरु नानक बर्थडे घर पर क्रिसमस घर पर ओके okay? जो हमारे कुछ रिलीजियस फेस्टिवल है वो आप घर पे सेलिब्रेट करते हैं जो नेशनल फेस्टिवल है तीन नेशनल फेस्टिवल है हमारे रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती ये आप स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं नाउ सम जनरल क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज़ इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम घर पे जब न्यू बेबी आता है तो कैसा फील होता है एक्चुअली इट फील लाइक सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जैसे फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं ना ऐसा ही कुछ होता है जब न्यू बॉर्न बेबी घर आता है सो so एवरी जो है फील uh, एक्साइटेड सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं एवरी वन फील एक्साइटेड एंड हैप्पी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टू होम डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी ज़्यादातर किसके पास रहता है तो वो ज्यादातर अपनी मदर के पास ही रहेगा वॉट शुड बी द मिनिमम एज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ टू गेट मैरिड अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज लॉ चाइल्ड मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ की मैरिज की तो गर्ल्स के लिए ये एज है एटीन ईयर्स और बॉयज़ के लिए ये एज है ट्वेंटी वन ईयर्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए लॉ का नाम चाइल्ड मैरिज लॉ और कितनी एज है और अगर इससे कम में शादी होती है तो फिर वो इलीगल मानी जाएगी हाउ मेनी मेबर्स आर दर इन निमीज़ फैमिली नाउ निमी की फैमिली में अभी कितने मेम्बर्स हैं सिक्स और ये आपकी फैमिली ट्री है इसको आपको कंप्लीट करना है इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है आप आपके मदर फादर और मदर कि मदर एंड फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मतलब नाना नानी और इधर दादा एंड दादी ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स होपफुली चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और एक तरीके से कोई रिविजन भी हो गई दैट्स ऑल फॉर नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग